गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग दल पर बैन के वादे को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को हिंदू आस्था का अपमान बताया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा है। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है, और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सालों भगवान श्री राम को ताले में बंद कर रखा है, राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बन रहा। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर नरेंद्र मोदी क्या है, एक स्वयं श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम। Zee News।